हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बदर स्टील के बारे में। जिस शेयर के बारे में पिछले वीडियो में बात किए थे, उसी शेयर के बारे में अभी बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे इसका यू पैटर्न बन रहा है बदर स्टील प्राइस का, जो पैटर्न यहाँ से लेके यहाँ तक माने कम से कम 1000 के आसपास में यू पैटर्न बन रहा है। आप दूर से देख पा रहे हैं यू पैटर्न के बाद आज जो ग्लोबली नेगेटिव था, जो अमेरिका मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट था, इसी वजह से हमारे मार्केट में ज़्यादा गिरावट आया और इसी के चलते हमारा सेंसेक्स भी नेगेटिव में आया। सेंसेक्स की वजह से बजाज स्टील नेगेटिव में गिरा है और यहाँ पर हम देख पा रहे, जहाँ वॉल्यूम कैंडल देख पा रहे, यहाँ पर ह्यूज सेल हुआ है। आज के दिन में सब पैनिक होकर निकल रहे बोल के ह्यूज सेल हुआ है, किंतु जो होल्डिंग करके रखा है उसको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये यू पैटर्न का मतलब अगर कहीं भी ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, ये तुरंत वहाँ से रिकवर करके और अपना पैटर्न के हिसाब से फिर वापस चला जाएगा। तो इसी चलते हम इस वीडियो में बता रहे थे, जो होल्डिंग करके रखे लॉन्ग टर्म बेसिक में उसको पैनिक नहीं करना चाहिए। लॉस दिखाई देता है बट आपको होल्डिंग रखना है, होल्डिंग रखने के बाद आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट दे जाएगा। इसका जो पीछे का चार्ट हम देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए, जब ये 200 के आसपास था, हर चार्ट में गिरावट रहता है। अगर ये वीकली हम देख पा रहे, गिरावट रहता है, साइडवेज रहते हैं और वहाँ से ज़बरदस्त मूवमेंट आते हैं। ये आपका क्या है, पेशेंस भी चेक करता है। आज का मार्केट में नेगेटिव की वजह से ये अपना परफॉर्मेंस नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव आ गया, क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूम कैंडल देख पा रहे हैं, यहाँ ह्यूज सेल हुआ है, सेल की वजह से यहाँ पर नेगेटिव। और RSI दिखे, जो RSI का 42 के आसपास है, ये RSI इंडिकेटर है, इसको हम देख पाएंगे। ये 42 के आसपास है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट दे के आया है पीछे का जो कैंडल का, और ये कम से कम कहाँ तक जा सकता है, हमको कहाँ से होल्डिंग, अगर नया होल्डिंग के लिए तो बहुत बढ़िया मौका है, चांसेस है 700 के आसपास आने से और क्वांटिटी ले सकते हैं, किंतु जो पुराना होल्डिंग करके रखी है उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। स्टॉक में उतार चढ़ाव गिरावट रहता है, किंतु आपको ये दूर से यू पैटर्न जैसे बनता है, यू पैटर्न के हिसाब से जैसे गिरावट हुआ है, इसको रिकवर करने के लिए उतने ही स्पीड में वो वहाँ 1000 के आस आ जाएगा। तो तब तक के लिए आपको होल्ड ही रखना है, एग्जिट नहीं होना है, क्योंकि RSI अभी बेयर ट्रेंड में है। RSI का जो ट्रेंड है बेयरिश में है, तो बेयरिश ये जैसे मूवमेंट करने शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ, तब ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मार्केट में पॉजिटिव वॉल्यूम आने से ये पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा। तो यही चार्ट में हम यही पढ़ सकते हैं, यू पैटर्न अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट देते हैं तो हमको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसी हिसाब से यहाँ से रिकवर भी, रिवर्स भी उतने स्पीड में करेगा, और एक एक दिन में 10-10% मूवमेंट आ जाने से आपका होल्डिंग भी कवर हो जाएगा प्रॉफिट जनरेट करके। इसका टारगेट है 1500, ये ज़रूर यू पैटर्न बना के जाएगा 1500, तब तक आपको होल्ड रखना है। इसका जो फंडामेंटल है, ईयरली अर्निंग पॉइंट है, मैं देखाया था उसको, अभी भी दिखाऊंगा आपको। तो इस वीडियो में चलते हैं। तो ये रहा बजाज स्टील का जो चार्ट हम देख पा रहे, पूरा फ्लैट पोजिशन में। अभी जो लो बनाया था 767 का लो बनाया था, वहाँ से रिकवर करके 787 में क्लोजिंग दिया है। ये फंडामेंटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये 17% एक दिन में गिरावट, बहुत ज़्यादा गिरावट है। इसका जो मीटिंग, बोर्ड मीटिंग था, ये 10th और 11th को था, और रिजल्ट की भी इसका था 10th 11th को। तो इसी के चलते मैं ये बताना चाहता हूँ, इसका रिजल्ट भी ठीक है, जो प्रॉफिट इसका यही बात है जो हम पीछे का देखेंगे, जो अर्निंग पॉइंट जो 2018 टू लेके 2021 तक देखो ग्रोथ किया है, जब प्रॉफिट किया 11, 13, 23, उसके बाद 65, मतलब ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के साथ रेवेन्यू भी सेम, रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट भी जैसे बढ़ रहा है रेवेन्यू भी ऐसे ही बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए हमको इस शेयर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि बजाज स्टील शेयर है, सबसे बढ़िया शेयर है, और इसका जो कंडीशन यहाँ जो दिखा रहा है वो बहुत बढ़िया कंडीशन दिया है। तो हम इस वीडियो में यही बात कर रहे थे, इसका जो फंडामेंटल मौजूद है, मौजूद कंपनी, मार्केट की वजह से गिरावट ज़्यादा आ गया था, तो इसको कोई पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यहाँ एंट्री पॉइंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंट्री पॉइंट नो रेड फ्लैग ये गुड दिया है, माने यहाँ अभी भी यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये बता रहे थे कि बजाज स्टील में आप फोल्ड करके रखिए, अगर कहीं भी प्राइस में आप खरीद के रखें उसको सेल नहीं करना, क्योंकि आपको लॉस हो सकता है। तो आपको होल्डिंग रखना है, क्योंकि यू पैटर्न जब ब्रेकआउट देता है उतना ही स्पीड में वो कवर भी करता है। जैसे लॉकडाउन टाइम में मार्केट जैसे गिरावट हुआ था, वहाँ से रिकवर करने में कितना स्पीड में, एक साल में 3-4 गुना बना दिया। तो आपको बजाज स्टील में सेम इसी तरह होल्ड।
जैसे लॉकडाउन टाइम में क्रॉस मार्केट में जैसे पोजीशन हुआ था उसने ही 3 गुना में यहाँ रिकवर किए थे। इसी चलते हम इस वीडियो में बात करेंगे बजाज स्टील में ऐसे ही अगर गिरावट आता है आपको होल्ड रखना है, पैनिक नहीं करना है और रिवर्स भी उतना स्पीड होता है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।